माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी का स्नेह और सम्मान लेकर उनके साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के सभी माननीय मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर आप सभी की ओर से हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी से, आदरणीय श्री अमित शाह जी से, कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मंच के दाहिनी ओर दीप अवस्थित है। माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह तथा मंच पर आसीन सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों, माननीय केंद्रीय मंत्री सर्वश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय श्री एल मुरुगन जी, सभी अपने करकमलों से यहाँ विनम्र सहयोग देकर इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और सात्विक भावनाओं से दैवीय शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं देश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली और प्रगति के। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभांश वितरण, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के शुभारंभ आयोजन में भोपाल के ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री गृह एवं केंद्रीय सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी ने तथा सभी लोगों ने अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। अब सभी लोग ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और भोपाल के इस जमहूरी मैदान के ऐतिहासिक मंच पे अब आप सभी की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से सबसे पहले माननीय अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप एक छोटा पौधा भेंट कर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आइए, हम भी अपनी भावनाओं को समाहित करें, साथ में शामिल करें माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करिएगा। इसके बाद अभिनंदन सर आपका, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे माननीय वन मंत्री श्री विजय शाह जी और हमारे बीच में वन समिति के प्रतिनिधिगण मौजूद हैं श्रीमती ललिताबाई, श्री अमर सिंह जी और श्रीमती लक्ष्मीबाई। उनसे आग्रह है कि पारंपरिक जनजातीय तरीके से स्वागत करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, माननीय वन मंत्री श्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से और माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय जी से आग्रह करेंगे कि इस स्वागत में आप मदद करें। आदरणीय माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी, माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, पारंपरिक जनजातीय स्वागत गृह मंत्री जी के लिए हो रहा है। ये देखिए एक पारंपरिक काष्ठ कला, तीर कमान और एक जैकेट जो हाथ से बनाई है इन लोगों ने, वो माननीय गृह मंत्री जी को विनम्रता पूर्वक भेंट की गई, बाद में उसे वे धारण करेंगे। ये तीर कमान हमारे जनजातीय समाज का पारंपरिक शस्त्र और जनजातीय समाज के लिए ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इसे प्राप्त करते हुए, धारण करते हुए बहुत बहुत स्वागत। अब हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं एक ओर से स्वागत के लिए माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से कि आप स्वागत करें मंच के एक ओर, और एक ओर श्री अरविंद भदौरिया जी माननीय मंत्री सहकारिता मध्य प्रदेश के, आप दूसरी तरफ के सभी लोगों का स्वागत करें। माननीय वन मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री बी डी शर्मा जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, श्री विश्वास सारंग जी, और दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री एल मुरुगन जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं प्रमुख सचिव वन विभाग श्री अशोक बनवाल जी से कि आप माननीय श्री ओपी ध्रुवे जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय मंत्री भाजपा का स्वागत करें, और स्वागत में श्री रमेश गुप्ता जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख से आग्रह कि आप सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी माननीय सांसद और कुल सिंह भामर जी जो हैं उनका स्वागत करें, और उसके उपरांत
श्री अशोक बनवाल जी से विनम्र आग्रह के आप सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करें और श्री रमेश गुप्ता जी से आग्रह के आप माननीय वन मंत्री जी का स्वागत करें। सांस्कृतिक मंच पे अब हम माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश का बधाई लोक नृत्य। बुंदेलखंड अंचल में जन्म विवाह तीज त्योहारों पर बधाई नृत्य किया जाता है। मनौती पूरी हो जाने पर देवी देवताओं के द्वार पर बधाई नृत्य होता है। सागर से आए हमारे कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं बधाई नृत्य, आइए। जन्म मिलियो रघुरैया अवधु में बाजे बधैया, जन्म मिलियो रघुरैया अवधु में बाजे बधैया, कोना घड़ी मेरा नैना बांध लागे कहियो, ओ चोली बांध लागे कहियो, ओ नैना बांध लागे कहियो, चोली बांध लागे कहियो, अरे हारी रे पलहारी रे दादा लली पैवारी रे, हारी रे पलहारी रे दादा लली पैवारी रे, ठाणे रहियो ए मन मोहन, ठाणे रहियो ए मन मोहन, भर भर ल्याओ का करिया ए पंसीवारे सावरिया, ने फूटे धमाको ने हो ओ बड़ी दिच्ची दी कर कई सोए रोने होए, नैना बंद लागे कहियो, जब चालो नर पितापा जहां पे मेला भरे, अम्मा हमारे सवर के निकर गए, अम्मा हमारे सवर के निकर गए, माई निकरने पाई रिपटने तुम परियो, नदिया में लगी है काई रिपटने तुम परियो, चलो चलो नर पितापा जहां पे मेला भरे, उड़ गए गंगा राम उड़ गए गंगा राम, पिंजरा हो गए पुराने, उड़ गए गंगा राम पिंजरा हो गए पुराने, हर कल्लो ने फूटे धमाको ने हो, कल्लो ने फूटे धमाको कर कई सोए रोने होए, नैना बंद लागे कहियो, चोली बांध लागे कहियो, ओ तोरे नैनो ने जादू डारे, ओ तोरे नैनो ने जादू डारे, हाँ डारे हाँ डारे, ओरी गोरी धना फूल बना तेरे नैनो ने जादू डारे, नैनो ने जादू डारे, हाँ डारे हाँ डारे, परी गोरी धना फूल बना तोरे नैनो ने जादू डारे। अरे इमली की चटनी और आम को पनो, इमली की चटनी और आम को पनो, अरे चीख मोरी भोजी जो के सो बनो, नैना बंद लागे कहियो, चोली बांध लागे कहियो, अरे जन्म मिलियो रघुरैया बाजे बधैया, जन्म मिलियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई लोक नृत्य की प्रस्तुति हमारे सागर से आए कलाकार कर रहे थे। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा यहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों के स्वागत के लिए, आप सभी के स्वागत के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं हमारे बीच में मौजूद माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में हमारे देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री परम आदरणीय
अमित शाह साहब, इस प्रदेश के मुखिया और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जहां एक ओर चौमुखी विकास कर रहा है, वहीं वनवासी क्षेत्रों में और वनों में रहने वाले हमारे जनजातीय बंधुओं के समग्र विकास की जो रात और दिन चिंता करके और आज कुछ ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, प्रदेश जिनके नेतृत्व में चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे हमारे प्रदेश के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा साहब, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो न सिर्फ केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, आज उनकी उपस्थिति गौरवान्वित कर रही है मंच को, आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते जो बरसों से जनजातीय बंधुओं को नेतृत्व करते हुए और देश में मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, भाई प्रहलाद पटेल जी, एल मरगुन जी, आदरणीय हमारे मंत्री साथी नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, अरविंद भदौरिया जी, विश्वास जी और हमारे बीच हमारी सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी, ओपी ध्रुवे जी, कल सिंह भावर जी और समस्त यहाँ पधारे हुए अधिकारी बंधु, कर्मचारी बंधु, प्रेस के साथी मित्रों और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सभी वनवासी बंधुओं को, हमारे विधायक साथी और सांसद साथी भी यहाँ विराजित हैं, सबको प्रणाम करते हुए केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आज हमें हमारे नेतृत्व को सुनना है। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेतृत्व के साथ हमें विकास में सहभागी बनने का मौका मिला है और आज जो कुछ इन वन समितियों के लिए होने जा रहा है, आदरणीय अमित शाह जी और शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, मैं पूरे इस पांडाल को आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और सहकारिता के माध्यम से इन वन समितियों को आगे लाने के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में वनवासियों को वनों को बचाते हुए और समग्र विकास, इसकी सबसे अद्भुत और अनोखी पहल हमारी सरकार के मुखिया ने की और जिसका आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी घोषणा भी करेंगे। जंगल ना कटें और जंगल को हमारे वनवासी बंधु अपना जंगल समझें। अभी तक होता ही आया है कि कई बार जंगलों में अतिक्रमण होते हैं या जंगल कटता है, लेकिन इस नीति से जहां तक मैं समझता हूं 20% लाभांश का अमित जी हमने इनको हिस्सेदार बनाया है। हिंदुस्तान में ये पहली सरकार होगी जिसने पूरे जंगल में जो हमारे सागवान की लकड़ी होती, वनोपज होती है, वनोपज तो 100% दे रहे हैं, लेकिन 1000 करोड़ रुपया की राशि हर साल मध्य प्रदेश शासन को मिलती थी और लोग ये कहते थे कि जंगल तो सरकार का है, हम इसकी रक्षा क्यों करें। लेकिन आदरणीय शाह साहब, हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब ये निर्णय कर लिया है कि ये जंगल में अगर 1000 करोड़ की लकड़ी कटेगी तो 20% की राशि वन विभाग के हमारे वन समितियों के लोगों को उनके जीवन उत्थार के लिए मिलने जा रही है। ये ऐतिहासिक निर्णय, एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत करेंगे। ऐसे अनेक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी विस्तार से उस पर प्रकाश डालेंगे ही, लेकिन आज हम पूरा वन विभाग और ये हमारे वनवासी साथी, वनों में रहने वाले और वनोपज से अपना जीवन यापन करने वाले सभी लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसे अच्छे काम की शुरुआत के लिए अच्छा नेतृत्व हमें मिला है और आपके हाथों ऐसे अनेक निर्णयों की घोषणाएं, जो वनग्राम को राजस्व ग्राम की बात थी उसकी भी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मैं हृदय से बहुत लंबी
बातना कहते हुए आप सबका, पूरे नेतृत्व का, केंद्र नेतृत्व का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का और सारे मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से निमंत्रण पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन। हम विनम्र आग्रह करना चाह रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से कि आप वन समितियों के सांकेतिक लाभांश और संग्राहकों को तेंदुपत्ता के लाभांश का वितरण अपने कर कमलों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि आप इसमें मदद करें। हितग्राहियों को हम बुला रहे हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। हम जैसा कि अभी वन मंत्री जी बता रहे थे कि वनोपज के लाभांश का वितरण उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके सदस्यों को ही किया जाता है, तो सबसे पहले 40 लाख रुपए की लाभांश राशि तवाढ़ाना उत्तर बैतूल का एक हमारी प्राथमिक लघु वनोपज समिति है, उसके प्रतिनिधि रामकिशन सिलूकर यहां मौजूद हैं, उन्हें माननीय मंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। बढ़ती हुई क्रम में 91 लाख रुपए की राशि के वितरण के लिए काराबोह पूर्व छिंदवाड़ा का प्राथमिक लघु वनोपज समिति है, इसके प्रतिनिधि मुकेश ध्रुवे जी को माननीय गृह मंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा श्री गेंदालाल जी का, आप प्रतिनिधि हैं हरदा जिले की चंदखाल प्राथमिक वनोपज समिति के, इन्हें 5,42,00,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब हमारे जो तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले हितग्राही हैं उनको हम यहां आमंत्रित करेंगे। इनमें सबसे पहले श्रीमती संतोष रानी, सीआरमऊ प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति रायसेन की है, इन्हें 14,534 रुपए का लाभांश दिया जा रहा है। श्रीमती ललिताबाई रेहटी से हैं, सीहोर जिले के 6,260 रुपए का लाभांश श्रीमती ललिताबाई। श्री सजन सिंह पोलाखाल प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति देवास की 8,496 रुपए का लाभांश श्री सजन सिंह। श्री अमर सिंह चिचवानी समिति नर्मदापुरम संभाग 8,167 रुपए। और इसी क्रम में श्रीमती लक्ष्मीबाई नयापुरा प्राथमिक लघु वनोपज समिति से हरदा से 5,323 रुपए का इनका लाभांश। हमारे कृषि मंत्री जी का जिला कमल पटेल जी का हरदा नयापुरा वहां की जो समिति है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीबाई नयापुरा से हरदा से 5,323 रुपए का लाभांश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं कि जैसा कि अभी अभी वन मंत्री जी ने घोषणा की, वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन की प्रक्रिया का मध्य प्रदेश में शुभारंभ हो रहा है, आप रिमोट के माध्यम से ये जितने भी वन ग्राम है अपने कई कठिनाई का सामना करते थे, आज ऐतिहासिक दिन है। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करके आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, वन ग्राम अब राजस्व ग्राम होंगे। हम आपको बता दें कि इस संबंधित आदेश आज ही मध्य प्रदेश शासन ने जारी कर दिया है और ये प्रक्रिया माननीय गृह मंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विस्तार से बताएंगे कि इसका फायदा कहां कहां तक पहुंचने वाला है और कितने करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा। बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए। इतनी बड़ी संख्या में और इतनी गर्मी में
प्रदेश भर से हम आए हैं और आज गृह मंत्री भारत सरकार के पधारे हैं। एक बार जोर से हम भारत माता की जय का उद्घोष करें। माता की, अरे और जोर से होना चाहिए, गृह मंत्री जी आए, भाई आए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके निवेदन पर आज गरीबों, विशेषकर आदिवासियों, जंगल में रहने वाले भाई और बहनों की जिंदगी बदलने आए भारत के गृह मंत्री, भारत के सहकारिता मंत्री, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत बनाने के काम में लगे हुए हैं और देश के दुश्मनों को सबक सिखा के आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म करने में जुटे हुए हैं। ऐसे हमारे नेता जिन्हें कश्मीर से धारा 370 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त कर दी, अरे आज अपनी राजधानी भोपाल आए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे नेता सम्मानी अमित शाह जी हमारे बीच में यहां उपस्थित, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री साथी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय श्रीमान एल मुरुगन जी, इनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। केंद्रीय मंत्री आए हैं आज सब, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री जिनका विभाग और जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं आदरणीय विजय शाह जी, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, सहकारिता मंत्री, आज सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता भी यहां बड़ी संख्या में आए हैं, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारी लोकप्रिय सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी भाई ओम प्रकाश दुर्वे जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कल सिंह भावर जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्री साथीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण और प्रदेश भर से पधारे हुए मेरे वो भाई और बहन जो वन समितियों के सदस्य हैं, मुझे खुशी है कहते हुए कि वनों से आपने केवल लाभ प्राप्त नहीं किया बल्कि वनों की जिंदगी को भी सजाने संवारने का काम किया है, प्रदेश में हरियाली लाने का काम किया है। मैं आप सबका यह हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सभी दिशाओं में विकास कर रहा है। अभी मैं बता रहा था आपको, अमित भाई आए, धारा 370 के बारे में कितनी बातें कही जाती थी, ये हट गई तो खून खराबा हो जाएगा, आग लग जाएगी, उथल पुथल मच जाएगी,
लेकिन एक झटके में संसद में धारा 370 खत्म करने वाले हमारे नेता आए हैं। धारा 370 समाप्त। अरे खून की नदियां तो क्या पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। आज कश्मीर में शांति है। नक्सलवाद पे नियंत्रण किया है, आतंकवाद पर लगाम लगाई है। अमित भाई का साफ कहना है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई देश की तरफ उंगली उठाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दसों दिशाओं में भारत ने विकास किया है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, 9 महीना पहले अमित भाई आए थे जबलपुर, याद होगा मेरे आदिवासी भाई और बहनों को। तब जबलपुर में हमने कहा था, 14 फैसले किए थे जो आदिवासी भाई बहनों की, जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने वाले थे। आज मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे, एक एक करके क्रियान्वित कर रहे हैं, जमीन पे उतार रहे हैं और आपकी जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था राशन जो प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि गरीब को फ्री में ही राशन दे रहे हो। किसान से खरीदते हैं 20 रुपया किलो और गरीब को बांटते हैं फ्री में। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, गरीब कल्याण योजना फिर बढ़ा दी गई है, अभी फ्री में राशन। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 1 रुपया किलो अलग मिल रहा है। हमने कहा था जो हमारे जनजाति ब्लॉक है 89, उनमें गाड़ी भेज के राशन गांव में भेजेंगे, और वो गाड़ी और किसी की नहीं, आदिवासी बेटा बेटियों की होगी, जिससे उनका किराया आके उनकी जिंदगी भी चलेगी और गरीब आदिवासी भाई बहनों को उनके द्वार पर ही राशन मिलेगा, उनके गांव में राशन मिलेगा। आज मुझे कहते हो खुशी है कि वो राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया, गाड़ियां आती जा रही है और राशन बढ़ता जा रहा है। हमने तय किया था पैसा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। आज मुझे बताते हुए खुशी है, गरीब आदिवासियों की जिंदगी बदलने के लिए पैसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दी गई है। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। कांग्रेस ने वर्षों तक कुछ नहीं किया। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया है। मेरे वन समिति के बहनों और भाइयों, आपने प्रदेश में घने जंगल बढ़ाने का चमत्कार किया है और आज अमित भाई आए, मैं उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये आपके हैं। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते, पत्ता नहीं तोड़ सकते, जिंदगी दूभर कर दी थी। लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाओगे, जंगल से जो आय आएगी, लकड़ी निकलेगी, उसकी आय का आप ही उपयोग करोगे, और जंगल बदलने की प्रक्रिया वो भी ग्राम सभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी आदिवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करे। हम लोगों ने तय किया था जबलपुर में 1,00,000 के पद भरे जा रहे हैं, बच्चों की फीस का इंतजाम किया जा रहा है। यहां वन समिति के भाई बहन बैठे, हमने फैसला किया था एकलव्य योजना के अंतर्गत कि कोई वन समिति के भाई बहनों के बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं
और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ कॉलेज में होता है, तो फीस चाहे कितनी भी हो, इस योजना के अंतर्गत फीस बच्चों के माता पिता, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। वो अभियान भी प्रारंभ हो गया है, ग्रामीण इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया मिशन ने राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में काम प्रारंभ कर दिया है। मैं उन कामों को नहीं गिनाना चाहता, एक के बाद एक काम जमीन पर उतारे जा रहे हैं, और ये सारे काम वन समिति के भाई बहनों के, वनवासियों के, आदिवासियों के जिंदगी बदलने वाले काम है, जो कांग्रेस ने कभी 70 साल में नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दे रही है। और आज 3 ऐतिहासिक फैसले, एक फैसला आप किया है अमित भाई ने, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने का। याद करो, और आज कई लोग यहां तो जो हैं अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वन ग्रामों में भी, जिलों में भी, ब्लॉक्स में भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उनके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा नक्शा आपको प्राप्त होंगे, व्यवस्थित भू अभिलेख उपलब्ध होगा, जिसकी नकल कहीं से प्राप्त कर सकोगे, होती नामांतरण होगा, बंटवारा होगा। यह अभी तक होता ही नहीं था, केवल नाम की जमीन थी, काम की थी नहीं। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा हो सकेगा, फसलों की गिरदावरी हो सकेगी, और जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को पट्टे दिए या वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों, अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार प्राप्त होगा, अधिकार प्राप्त होगा, फसल कटाई हो सकेगी, फसल बीमा का लाभ मिलेगा, फसलों का उपार्जन किया जाएगा, खरीदी की जाएगी, गांव की सड़कें बनेंगी, आंगनवाड़ी भवन बनेंगे, शाला भवन बनेंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, आंतरिक सड़कें बनेगी, ड्रिप इरिगेशन, तालाब खुदेंगे, पाइपलाइन बनेगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, सचमुच में जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी जिंदगी बदल जाएगी। और ये फैसला अमित भाई के हाथों आज यहां हमने लागू किया है। और दूसरी चीज जिसके बारे में विजय साहब बता रहे थे, अंग्रेजों ने जंगल अपने कब्जे में कर लिए थे, लकड़ी आय का साधन थी, आदिवासी उससे हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन वन समिति के बहनों और भाइयों, अब केवल गिरी पड़ी लकड़ी नहीं, केवल कटाई छटाई की लकड़ी नहीं, अरे अब तो सागौन की हो चाहे और कोई हो, वो लकड़ी कटेगी और बिकेगी तो जितने में बिकेगी उसका 20% रुपया सीधे आपके हाथों में आएगा, आपके हाथों में आएगा। अभी समितियों को पैसा दिया है, किसी को 41 लाख, किसी को 91 लाख, और अभी आपको अधिकार है कि उस पैसे का आप क्या उपयोग करोगे। आप स्वतंत्र है गांव के विकास के लिए, ग्राम सभा फैसला करेगी, वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। तेंदुपत्ते का बोनस बांटना शुरू किया है, पहले 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तेंदुपत्ते की तुड़ाई का परिश्रमिक बांटा था, मजदूरी बांटी थी, और आज 125 करोड़ रुपया 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको मिलेगा। और यह भी अमित भाई के हाथों संपन्न हो रहा है, यह जिंदगी बदलने के अभियान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में चला रहे हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए सरकार चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, राशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक फैसला और मध्य प्रदेश में हमने किया है, जिन गरीब बहनों और भाइयों के पास मध्य प्रदेश की धरती पर
रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि एक परिवार बढ़ते 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 बाप के चार बेटा, उनकी बहुएं, उनके बच्चे इतने हो गए कि घर पर रहने की जगह ही नहीं बची। एक जगह मुझे कहा कि मामा रहे कहां, ये तो बता दे, रहने की जगह ही नहीं है, एक घर में कई लोग रह रहे हैं। तो यह क्रांतिकारी फैसला हमने किया है कि वो गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जिन पर रहने की जमीन नहीं है उनको रहने की जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। और अभी तो माफियाओं से, बड़े माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने, 21,000 एकड़ जिनने दबा रखी थी, बड़े माफियाओं से जमीन छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, आपके मकान बनाने के काम आएगी। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में, अरे भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतना जमीन का टुकड़ा का अधिकार तो दिया है कि अपना मकान वो वहां बना सके। और उस मकान पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जाएंगे। मैं आज अमित भाई के सामने ये कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, 30 लाख आवासीन आवास प्लस में आए मध्य प्रदेश में, हमने 30 लाख बना दिए मकान, फिर से सर्वे हुए 30 लाख और निकले, इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, 10,000 करोड़ रुपया रखा है बजट में 10 लाख मकान बनाने के लिए। बताओ गरीबों के मकान बनना चाहिए कि नहीं, अरे जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं। 10 लाख इस साल, 10 लाख अगले साल, और उसके बाद तीसरे साल 10 लाख, 30 लाख मकान बना के दे देंगे। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का गरीबों का इलाज निःशुल्क करा के देने का अभियान हाथ में लिया है। बच्चों की पढ़ाई, उसका फैसला आपको जानकारी में है। और संबल योजना जो कमलनाथ ने बंद कर दी थी, गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। और बड़े बड़े बिजली के बिल आए थे कोरोना में, हमने स्थगित किए थे, देते नहीं बन रहे थे, इसलिए 6,400 करोड़ रुपए के कोरोना काल के बिजली के बिल भी अब गरीब नहीं भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि ये बोझ भी आपके ऊपर ना आए। एक के बाद एक गरीब हितैषी फैसले, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू हो गई, कल नसलागंज से प्रारंभ हुई है, और एक शादी पे 55,000 रुपया खर्चा करेंगे, बेटियों की शादी की तैयारी धूमधाम से करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, आज ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले अमित जी की उपस्थिति में, 3 निर्णयों का क्रियान्वयन हमने किया है। आप सब पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की जिंदगी बदलने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गरीब बेबस नहीं रहेगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी, वो अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आज मुख्य रूप से हमको संबोधित करने पधारे हैं अमित भाई। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब अब अमित भाई का मार्गदर्शन लेंगे। आइए इन ऐतिहासिक फैसलों के लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अमित शाह जी का स्वागत कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए। और मैं सीधे बिना किसी विलंब के अमित भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद,
हर हर नर्मदे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, शिवराज जी ने आज वन समितियों के सभी सदस्यों को इतनी सारी योजना का अंबार लगा दिया है। जरा जोर से बोलिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जो लाभ मिले हैं आगे भी लेने, उसके संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह पुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, एल मुर्गन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, भाई विजय शाह जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, विश्वास सारंग जी, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, श्री कल सिंह भाभर जी, श्री ओपी दुर्वे जी, और आज ये विशाल सम्मेलन में आए हुए सारे मेरे वन समिति के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां आप लोगों के सामने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गांव गांव में बैठे मेरे सभी आदिवासियों के सामने एक बहुत बड़े और युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसी रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य। मैं यहां पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी, 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था, शिवराज जी घोषणाएं तो हो गई भैया, ये लोग हिसाब मांगेंगे, मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं। मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा, 17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर दिया है। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी, पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला, आदिवासी आबादी वाला प्रांत है, 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी यहां रहती है। जब तक मध्य प्रदेश की 21% आबादी और विशेषकर जनजाति आबादी आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं होता। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को
अब तक के शासन में बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है, खेती के लिए पानी पहुंचाने का काम किया है। मगर अब शिवराज जी जो कर रहे हैं, राज्य को तो समृद्ध बनाया, मेरे आदिवासी भाइयों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर शिवराज जी आए हैं। और मैं इस मंच से शिवराज जी, विजय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि किस प्रतिशत आदिवासियों के कल्याण के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। मोदी जी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब बच्ची देश में अधिकार के साथ जिए और इसको दो वक्त की रोटी और रोजगारी दोनों मिले, वो स्वप्न को आज आप साकार करने का काम कर रहे हैं। यहां पर वन समितियों में कास्ट और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया गया है। और वनग्राम, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चारे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था, आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। आदिवासी भाइयों बहनों, शायद आपको मालूम नहीं हो, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला फैसला है। आज ये 827 वन ग्राम स्वाभिमान के साथ, हम वन ग्राम में नहीं रहते हैं, हम राजस्व गांव में रहते हैं, राज्य में हमारा भी हिस्सा है, वो अधिकार के साथ आज आप यहां से वापिस आपके गांव में जा रहे हैं। मित्रों, लगभग 15,600 से ज्यादा ग्राम सभाओं में वन समितियां गठित की है, 4800 वन समितियों में 2000 करोड़ रुपया बांटा गया है, 5000 वन समितियों का माइक्रो डेवलपमेंट प्लान भी बन चुका है, 2600 वन समिति का प्लान लागू हो गया है और 7.5 लाख हेक्टर वन क्षेत्र को विकास और सुधार के काम में लगाने का फैसला शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मोदी जी की सरकार ने 8 साल के अंदर, मोदी जी ने जो पहले दिन वादा किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों और पिछड़ों की सरकार है, इस देश में कोई व्यक्ति घर के बगैर न रह जाए, 2022 के पहले अंत के पहले हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प मोदी जी ने किया है, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है, हर घर में शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है, 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस की बोतल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और हर घर में जल नल से पहुंचाने का भी प्रयोग शुरू हो चुका है, 24 के पहले समाप्त हो जाएगा। हर गरीब परिवार को, देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सभी आरोग्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, कोई भी बीमारी आए, खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और कोरोना से आज तक 2 साल तक जब रोजगारी प्रभावित हो गई, मोदी सरकार ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में
गरीबों के घर में पहुंचाकर उनके घर का चूल्हा जलते रखने का काम किया है। सारे लोगों को मुफ्त में कोरोना की रसी दिलाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज वन्य अधिकार पट्टों का वितरण भी हुआ है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना भी शुरू हो चुकी है, आहार अनुदान योजना भी शिवराज जी ने लागू कर दिए है। हर घर के मुखिया के खाते में 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट से पहुंचता है और ढेर सारे वनों के रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आज शुरू किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में और ऊपर मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा प्रतिशत बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 21-22 में 19.7%, 19.7% विकास दर हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ जो था इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ तक करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की, शायद ही कोई राज्य ने करा होगा, 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। और भारत सरकार ने भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में जो कांग्रेस सरकार के समय 4,295 करोड़ था उसमें बढ़ोतरी कर 4,200 करोड़ से बजाकर 7,524 करोड़ करने का काम किया है। और केंद्रीय मंत्रालय में आदिवासियों की योजना के लिए कांग्रेस सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी, मोदी जी आज 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 78,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किए हैं। लगभग 1,418 करोड़ एकलव्य स्कूलों के लिए खर्चा है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देश भर में 51,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। इतना विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार भारत माता की जय का जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक मिनट में भाई साहब, एक अमित भाई से चर्चा हुई थी, मैं भूल गया था, तेंदू पत्ता तुड़वाई के अभी 250 रुपया प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के 300 रुपया प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस आयोजन में पधारने पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद माननीय श्री बी डी शर्मा जी को, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को और माननीय श्री एल मुरुगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय वन मंत्री
डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें, और साथ साथ विनम्र आग्रह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वन उपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। देवियों सज्जनों, इधर धन्यवाद ज्ञापन होगा, उधर माननीय गृह मंत्री जी यहाँ वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। श्री पुष्कर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय, आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति से हम बहुत अभिभूत हैं। हमारा समितियों का निश्चित ही इससे मनोबल बहुत बढ़ेगा और हमें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के, जिनके सतत मार्गदर्शन में हम नए नए विकास के कार्य करते जा रहे हैं। हमारी समितियों का हमें सक्रिय योगदान प्राप्त होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री सर्वश्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, माननीय श्री एल मुरुगन साहब, हम सर आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर आपने हमारी समितियों को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन दिया। हम आभारी हैं हमारे